मध्य प्रदेश में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंधिया के इस्तीफे से संकट में है कमलनाथ सरकार। इधर बीजेपी ने अपने 106 विधायक गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिए हैं। मानेसर के ITC ग्रैंड भारत होटल में बीजेपी के विधायक को रोका गया है। स्पेशल विमान से भोपाल से इन विधायकों को लाया गया है। देर रात 1 बजे 106 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली से इन्हें गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया गया है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद लगातार हलचल बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में। पॉलिटिकल ड्रामा सुर्खियों में, मानेसर के ITC ग्रैंड भारत होटल में रुके हैं बीजेपी के 106 विधायक। स्पेशल विमान से कल देर रात भोपाल से दिल्ली पहुंचाया गया और अब दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचाया गया है इन्हें। खबर यह भी है कि 12 बजे आज सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले सभी अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, वो टूट न जाएं, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों की कोशिशें जारी हैं। इधर दावा कमलनाथ भी कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, चिंता की बात नहीं है, सरकार नहीं गिरेगी। इधर बीजेपी खेमे में खासी हलचल है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार कमल एक बार फिर से मध्य प्रदेश में खिल सकता है। कोशिशें जारी हैं। इधर गुरुग्राम शिफ्ट किया गया है बीजेपी के 106 विधायकों को, जो कल देर रात भोपाल से दिल्ली लाए गए थे। लंबे समय से सिंधिया अपनी अपेक्षा से परेशान थे, हाशिए पर थे, नाराजगी बढ़ती चली गई, असंतोष बढ़ता चला गया और उसके बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल। ललित नारायण कांडपाल हमारे विशेष सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। ललित, फिलहाल खबर यह आ रही है कि गुरुग्राम भेजे गए हैं 106 विधायक, जो कल देर रात भोपाल से दिल्ली आए थे बीजेपी के विधायक, और बताइए क्या क्या अपडेट आपके पास। देखिए पूजा, अपडेट अभी तो यह है कि ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, हालांकि जो खबरें इस तरह की हैं कि जो बेंगलुरु में जो विधायक हैं उनके संपर्क में कमलनाथ हैं और कई विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं उनमें ज़्यादातर जो विधायक हैं उनकी ऐसी खबरें हैं कि वो, उनका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, वो पिछले तकरीबन कई सालों से कांग्रेस में रहे हैं, तो अचानक से उनको जो है रातों रात अगर वो बीजेपी की राजनीति करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से एक बड़ा सेटबैक जा सकता है। तो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो विधायक ऐसे विधायक हैं उन विधायकों को लेकर जो है जो थोड़ा सा परेशानी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि उन लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना अपने आप में उनकी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो है ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन हमने देखा है पूजा कि ऐसे दौर में कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं और बाद में इस तरह की खबरों का जो है ना तो इस तरह की खबरों का कोई आधार रह नहीं पाता। तो कुल मिलाकर अब आज जो है वेट एंड वॉच की स्थिति लग रही है। सभी लोगों को ये उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के अनुसार, खबर दे रहे हैं सूत्र, कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, या 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनकी भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कराया जाएगा और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें असली ताकत देखने को मिलेगी कि आखिर कौन किसके साथ खड़ा है और किसके साथ कितनी पावर खड़ी है। क्या कमलनाथ मनाने में कामयाब हो गए हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अभी भी उतने विधायक हैं जितने विधायकों ने छोड़ने का दावा किया है या जो बागी हुए हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। तरुण कालरा का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस समय सिंधिया हाउस के बाहर से मौजूद है। तरुण, सीधा आपके पास आते हुए आप बताइए क्या अपडेट है, वहां पर क्या हलचल है, चूंकि सभी की नजरें आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर रहेंगी। खबर ये आ रही है कि 12 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे वो। जो भी होगा ना ध्यान रखिएगा।
देखिए, हालांकि ये सोर्सेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 12 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कल का जो घटनाक्रम देखें तो कुछ भी कंफर्म नहीं माना जा सकता। कल भी बताया जा रहा था कि 6 बजे आ सकते हैं, आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा बीजेपी के नेता कर सकते हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुबह के वक्त उनकी अमित शाह के संग जो बैठक हुई थी, 1 घंटा चली थी, तब ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कल ये मुमकिन नहीं हो पाया। और बीजेपी ने भी आधिकारिक तौर पर इस तरह की पुष्टि नहीं की है कि बीजेपी किस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को घर आ रही है। 12 बजने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 10 बज चुके हैं, और ये जो इस घर के 46 नंबर हाउस नंबर है और सिरीफोर्ट रोड पर ये मकान स्थित है, इसी घर से कल अपनी रेंज रोवर में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार अकेले अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए निकले, और एक बार वो सीधे कहा जा रहा है कि गुजरात भवन गए, वहाँ पे अमित शाह उनका इंतजार कर रहे थे, फिर अमित शाह संग वो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और वहां पर 1 घंटा की बैठक हुई। उसके बाद जब वो 20 मिनटों के बाद फिर से इस घर के अंदर शामिल हुए और फिर से वो इंडिया का अटेंशन उनकी गाड़ी के ऊपर था, उनकी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा था, नहीं गए। और अब सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा इस घर पर है, चूंकि ये खासा महत्वपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से सिंगल कमेंट उनके रेजिग्नेशन के अलावा सामने नहीं आया है। क्या कुछ खटास रही, किन कारणों से अच्छा, क्या तर्क है उनके, और 15 महीने की सरकार में क्या कुछ यातनाएं, जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही है कि उनका मान सम्मान नहीं हुआ, इतना बड़ा घर उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, और कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख रही है। इस बीच लगातार विधायकों की जो संख्या है, जो इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी बढ़ती जा रही है, जिससे कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन अभी तक फ्लोर टेस्ट कॉल नहीं किया गया है, ना बीजेपी की तरफ से स्टेक क्लेम किया गया है। ये दोनों चीजें डेवलप होने के बाद ही नंबर शुरू होगा। अगर कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट पर जाती है तो ये मानकर चल लिया जाए कि शायद अंदर खाने सेंध मारने में बीजेपी के विधायकों में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। लेकिन अगर कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट पर नहीं जाती है तो ये मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी दोनों खेमों की तरफ से अपने अपने विधायकों को समेट कर रखने की कोशिश की गई है। कल देर रात जिस तरह से ड्रामा हुआ है, अभी भोपाल के अंदर जो चीजें चल रही हैं, 88 MLA कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हैं, 4 नदारद रहे हैं। क्या कारण है कि नंबर्स लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं कांग्रेस के, या फिर कांग्रेस कुछ प्लान बी स्ट्रेटेजी अपनाए हुए है, जिसका खुलासा समय रहने के बाद किया जाएगा। एक डेवलपमेंट और यहां पर मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दिल्ली स्थित अपने आवास पर मौजूद है, वहां पर राजस्थान आर्म की एक टुकड़ी, सुरक्षा टुकड़ी उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन कुछ देर पहले वो जो पुलिसकर्मी राजस्थान नजर, चूंकि वो अकेले ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे में कुछ अनहोनी जिसके वो गाड़ी यहां से रवाना हो गई है, वो एक तरह का के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने जा रहा है, जिसके कारण कराई गई है। लेकिन अभी वो यहां से गाड़ी चली गई है, शायद मीडिया का अटेंशन ज्यादा आया था और एक तरह से जजमेंटल भी ये एटीट्यूड हो गया था। चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है तरुण, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही। ललित, सीधा आपके पास आते हुए, तरुण इस समय सिंधिया हाउस के बाहर मौजूद है और बता भी रहे हैं किस तरह की वहां पर हलचल है। हालांकि अभी कोई गहमा गहमी नहीं है और ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हो सकता है 12 बजे सिंधिया बीजेपी में शामिल हो। कुल मिलाकर आज सभी की निगाहें सिंधिया पर है कि अगला मूवमेंट सिंधिया का क्या होगा, और अपने रिजाइन को लेकर उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, मान सम्मान नहीं मिला या जो भी है, कितना संघर्ष किया या हाशिए
पीछे पर रहे, इसको लेकर कयासी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी ही ये ब्लेम कर रही है कांग्रेस पर। कुल मिलाकर 12 बजे वो अभी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरह का अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि इस चीज़ की एक अपनी अलग परंपरा है कि जब कभी भी, जब से हम देख रहे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐराज शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके इसकी राजनीति कर रही है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी शख्स के ज्वाइन करने से महज 15 मिनट पहले मीडिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है और तुरंत जो है अगले कुछ ही क्षणों में उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तक मैसेज की जानकारी नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल क्यों नहीं ज्वाइन किया। कल वो प्रधानमंत्री से मिले, खुद अमित शाह उनको प्रधानमंत्री के पास लेकर गए और वहाँ पर अमित शाह भी मौजूद थे, वहाँ पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, और उसके बाद जो है फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। तो कुल मिलाकर ये भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे थे वो अभी भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है, और अगर वो देने की स्थिति में नहीं है तो आखिर वो ऐसा क्या चाह रहे थे। देखिए कई सारे सवाल है पूजा, एक ये सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से भी सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल बीजेपी की तरफ से भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल क्यों नहीं ज्वाइन की, वो कल भी ज्वाइन कर सकते थे। जब कल के दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, कल के दिन में लगातार मुलाकातें हो सकती हैं, एक के बाद एक डेवलपमेंट हो सकता है, तो फिर ये तो एक औपचारिकता भर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद के नेता को खुद अमित शाह जिस तरह से लेकर गए प्रधानमंत्री के पास, ये अपने आप में बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना बड़ा कद है। और अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं बल्कि सिंधिया परिवार का, जो कि राजस्थान की राजनीति में भी अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान रखते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उसी परिवार की सदस्य हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान की राजनीति में क्या कद है, इस बात को पूजा आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है। तो कुल मिलाकर सिंधिया परिवार का राजनीति में बड़ा कद है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से इस कद की अनदेखी की है उसने कहीं ना कहीं उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है। ये मैसेज उनके कार्यकर्ताओं तक भी चला गया है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि महाराज जिस तरफ जाएंगे हम वहीं जाएंगे। बिल्कुल, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। ललित और तरुण आपसे भी लगातार